भारत एक ऐसी पावन भूमि जहां कई ऐतिहासिक व धार्मिक धरोहरें स्थित हैं। मोदी सरकार ने खोई हुई सांस्कृतिक विरासत को फिर से हासिल करने की ठान ली है और उनके संरक्षण की दिशा में बहुत से ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। देश की आर्थिक प्रगति के लिए पर्यटन के महत्व को समझते हुए मोदी जी विरासत एवं ऐतिहासिक स्थलों तथा धार्मिक स्थलों के विकास पर खासा जोर दे रहे हैं। देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है वैष्णो देवी मंदिर, अब अपने सौंदर्यीकरण के दौर से गुजर रहा है। मोदी सरकार ने इस मंदिर के बुनियादी ढांचे को सुधारने और श्रद्धालुओं की परेशानी कम करने के लिए कई पहल की हैं, जैसे बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार, रोपवे का विस्तार। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने 250 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे परियोजना की भी शुरुआत की है, जिससे श्रद्धालुओं को 6 घंटों की जगह 6 मिनट में दर्शन मिल पाएगा। इसी के साथ मंदिर के मार्गों को चौड़ा और सुरक्षित बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा आसान और सुविधाजनक हो सके। असम के कामाख्या मंदिर को देश के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में गिना जाता है। मोदी सरकार ने इस मंदिर के आधुनिकीकरण और संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए हैं। प्रसाद योजना के तहत कामाख्या मंदिर को संरक्षण के लिए 26 करोड़ 11 लाख रुपए दिए गए, जिससे मंदिर की सुंदरता और आसपास के बुनियादी ढांचे को विकसित किया गया ताकि श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इतना ही नहीं, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रचार प्रसार और धार्मिक उत्सवों को भी बढ़ावा दिया गया और जल्द ही 498 करोड़ रुपए की लागत से मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा। गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ पहाड़ी में 125 करोड़ रुपए की लागत से कालिका माता के पुनर्विकसित मंदिर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने श्री कालिका माता मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया, जिस पर 5 शताब्दियों तक विराम लगा था। मोदी सरकार ने देवी मंदिरों का कायाकल्प करके न केवल धार्मिक आस्था का पुनर्निर्माण किया है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया है। आज यूं ही नहीं, पूरे विश्व में सनातन का डंका बज रहा है, क्योंकि मोदी जी कहीं भी रहें पर सनातन से उनका प्रेम सदैव जुड़ा रहता है। इससे साफ जाहिर है कि पीएम मोदी जी सनातन संस्कृति के उत्थान को लेकर कितने गंभीर हैं।